हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। हाँ जी, आज जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि आज है आखा तीज। हमारे राजस्थान में आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। किस तरीके से मनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर आज के दिन जो है साबुत अनाज का खिचड़ा बनता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने 7 अनाज जो रात को ही भिगो के छोड़ दिए थे, जिसमें बाजरी, मूंग, मोठ, मतलब बाजरी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ले ली थी और रात को ही भिगो के छोड़ दिया था ताकि खिचड़ा जो है बनने में थोड़ा कम टाइम लगे, क्योंकि साबुत अनाज का बनता है ना तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और इसी वजह से आज मैं जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि मुझे खिचड़ा बनाना था और इसको बनने में करीबन 1-1.5 घंटा लगने वाला है। तो बस कुकर में मैंने गर्म पानी पहले कर लिया था और उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने साबुत अनाज, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और साथ ही यहाँ पे चल रही है बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में मैं उसको दे रही हूँ आज ये मेथी वाले, मिर्ची वाले परांठे। वैसे तो नॉर्मली जो है सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ, पर आज जो है मैंने कहा ना कि मुझे खिचड़ा बनाना था तो उस तैयारी में लग गई। तो बस ये नॉर्मल परांठे दे दूँगी, साथ में मैं दही दे दूँगी। और हाँ जी, इस तरीके से आज हुई है दिन की शुरुआत। सुबह उठ तो मैं जल्दी गई थी, करीबन 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने अंदर की बासी झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने। मुझे ऐसा था कि कहीं लेट ना हो जाए खिचड़ा बनाने में, क्योंकि मैंने बताया ना साबुत अनाज का खिचड़ा बनता है तो 1-1.5 घंटा लगेगा उस खिचड़े को बनने में। तो मैंने सोचा पहले जो है नहा के खिचड़ा चढ़ा देते हैं, बाकी के जो बचे हुए काम है वो बाद में करते रहेंगे। तो बस अंदर की मैंने झाड़ू लगाई थी, बाहर की बालकनी वगैरह आज मैंने वॉश नहीं करी थी, ना ही मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया। मुझे ऐसे था कि नहीं, व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेंगे, पर वही है कि जो पूजा का टाइम है ना वो टाइम से हो जाए जो पूजा होनी होती है। तो ये जो पूजा होती है वो सुबह सुबह ही की जाती है और 10 बजे से पहले पहले करनी है मतलब पूजा। तो बस खिचड़ा मैंने चढ़ा दिया था, बुलबुल को भेज दिया है स्कूल और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी को वॉश करने के लिए। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी तो मैंने पानी डाल के वॉश ही कर दिया। और ये देखो खिचड़ा मतलब 10-12 सीटी मैंने लगा दी थी और उसके बाद इसमें मुझे पानी कम लग रहा था तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मैंने और डाल दिया है और फिर से इसको मैंने चढ़ा दिया। मतलब जैसे मैंने बताया धीरे धीरे बनता है। और पहले के टाइम में तो है ना, और वो चूल्हे पे बनाया करती थी लेडीज़, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता था और खाते भी सब लोग बड़े शौक़ से हैं। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरह से मनाई जाती है आखा तीज, ये प्रसाद बनता है। आप लोगों के वहाँ क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस जी, मैंने अंदर का झाड़ू पोछा कर दिया, दोनों बालकनी दोनों साइड की वॉश कर दी है और सुबह से ही आज तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रखी है। बहुत गर्म हवा जो है सुबह सुबह ही चलना शुरू हो गई है, अच्छी खासी गर्मी आ गई है अब तो। तो जी यहाँ पे खिचड़ा बन के हो गया तैयार और कुकर में थोड़ा सा लगने लगा था तो फिर इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था और कढ़ाई में थोड़ी देर और पका लिया। और साथ में खिचड़े के बनता है ये इमलाना, मतलब सिंपल इमली का पानी होता है ये, और इसमें डाल देते हैं चीनी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक। तो इमलाना और खिचड़ा ये भोग में बनता है। और फिर आज के दिन ये जो मटका लेकर आते हैं, मतलब नया ही लेकर आते हैं और इसकी पूजा होती है, तो इस तरीके से करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ पूजा। और तो जी बस हो गई है आखा तीज की पूजा और अब ये जो खिचड़ा है वो सबसे पहले घर के जो जेंट्स होते हैं ना वही खाते हैं और इस घड़े में से वही पानी पीते हैं। तो बस हस्बैंड वेट ही कर रहे थे, मतलब जो भोग थाली मैंने लगाई थी ना वो जेंट्स ही खाते हैं। तो बस पतिदेव को दे दिया है नाश्ता और आज दिन में भी यही खाएँगे, खिचड़ा ही, और बहुत टेस्टी लगता है। हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो तो तीनों टाइम यही खाने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जी हो गया सुबह सुबह का काम और अभी आप लोगों से सीधा मैं मिल रही हूँ दोपहर में। बुलबुल आ गई है स्कूल से, आजकल थोड़ा जल्दी आ जाती है गर्मी की वजह से, इसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, मतलब दोपहर में करीबन 1-1.5 बजे आ जाती है ये। होते क्यों नहीं है बेटा, पता नहीं कब कब की पैक करी हुई होती है, तेरे तो बहम हो रहा है। एक बार कल परसों एक जन दिखाया था उसमें वो बहुत ही गंदा मैगी के अंदर कीड़े चल रहे थे, बस दिख गया। नहीं है, नहीं है ना, देखो नहीं है।
आजकल के बच्चों को नहीं पसंद आता देसी खाना। मैंने बहुत कोशिश की कि बुलबुल थोड़ा सा खिचड़ा खा ले, पर उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। खैर जी, अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम, और आज शाम को हमारे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही झमाझम बारिश हो गई है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज सुबह से बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी, पर शाम को मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई और थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया। और मैं हो गई हूँ अभी तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपना गिफ्ट लेने के लिए। हाँ जी, बर्थडे पे तो मैंने गिफ्ट लिया नहीं था, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन था, तो फिर मैंने वो गिफ्ट जो है मैंने सोचा बर्थडे के बाद ले लेंगे, कोई नहीं दो दिन बाद ले लेंगे। मैं क्या शॉपिंग करके लेकर आई थी उस दिन, विशाल मेगा मार्केट से। हाँ, मेरे बर्थडे वाले दिन जब मैंने कहा था, ब्लॉग में दिखाया भी था कि हमने शॉपिंग करी थी, तो ये कुछ कपड़े लेकर आई थी। चलो जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ, और बढ़िया मिल गए थे विशाल मेगा मार्केट में। ये बुलबुल के लिए मैं शॉर्ट्स लेकर आई थी, और ये मिल गए थे 89 में, 89 का एक मिला है ये, तो सरोजनी नगर में जो शॉपिंग होती है ना वो वहाँ पे हो गई, सरोजनी नगर में इसी तरह का मिलता है। मेरा बहुत मन है कि मैं सरोजनी नगर एक बार जाऊँ, तो उसी तरह की शॉपिंग हो गई, मतलब सरोजनी नगर में भी बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक तो ये शॉर्ट्स है, और इसके साथ का ही एक ये वाला है, ये थोड़ा स्कर्ट पैटर्न में है, है ना, और हाँ ये भी 89 का ही है, तो सस्ते मिल गए, मतलब 90 रुपये का एक, ठीक है। दो तो ये लेकर आई थी बुलबुल के लिए, बच्चों के कपड़े अच्छे थे, जैसे मैंने बताया ना, बच्चों के कपड़े ज़्यादा अच्छे थे। और एक ये टॉप लेकर आई थी, ये इस तरह का, और ये कितने का, ये है 199 का, बुड्डू के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और एक ये लेकर आई हूँ मैं इस तरह का, ये टी शर्ट, तो ये भी गुड्डू के लिए है, ये दो टी शर्ट मैं गुड्डू के लिए लेकर आई हूँ, और ये एक लेकर आई हूँ मैं बुलबुल के, बुलबुल की थोड़ी लूज सी लेकर आई हूँ, मतलब गुड्डू बुलबुल जो भी पहनना चाहेगी वो पहन लेगी। और ये सारी है, ये भी 199 की है। उसके अलावा चुटकू लाल के लिए लेकर आए थे ये क्यूट सी, देखो ये वाली जो है टी शर्ट है, और इसके साथ ये वाला निकर है, तो ये गर्मियों में पहनने के हिसाब से, तो एक तो ये लेकर आए थे, और एक ये है, एक ये टी शर्ट है, और इसके साथ ये वाला निकर है, ये लेकर आई थी, ये मेरे भतीजे के लिए, मतलब हनु के लिए ये लेकर आई थी मैं। एक शर्ट है, और इसके नीचे है ये पैंट, पैंट क्या निकर है ये, इस तरह का ये लेकर आई थी। ये मैं बहुत दिन से यहाँ पे लोकल मार्केट में ढूंढ रही थी, मुझे मिले नहीं, वहाँ पे मुझे नज़र आ गए, तो वहाँ से मैंने ले लिए ये मतलब बढ़िया किचन वगैरह इनसे थोड़ा ठीक साफ हो जाता है। तो वैसे तो मैं नॉर्मली तो जो है कपड़ा ही यूज़ करती हूँ, पर ऐसे कभी कभार अगर बहुत अच्छे से अपने को क्लीनिंग करनी हो ना, तो बढ़िया साफ हो जाता है। ये तीन ये मैं लेकर आई थी, ये बाथरूम वाले मैट हैं, ये मेरे को लग तो ऐसे ही रहा है कि ये जो है बाथरूम के अगर आगे लगा लेंगे तो पानी मतलब सोख लेंगे ये, तो ये लेकर आई थी मैं। एक ये है, इसमें एक ये है, इसमें ये था कि दो लेने पर आपको एक फ्री मिल रहा था, तो ये तीन कलर में लेकर आई हूँ मैं। अब पता नहीं यार, ले तो आई हूँ, मैंने इसको लगा के तो नहीं देखा है, पर मेरे को लग रहा है ऐसा कि है ना, ये मतलब अगर बाथरूम के डोर के आगे रखेंगे तो ये जो है पानी को सोख कर लेंगे, मतलब 250 में तीन मिल गए 250 के, तो दो लेने पर एक ये फ्री मिल रहा था, ठीक है, तो ये ले आई हूँ। इसे हमने शॉपिंग करी थी। अब इसके अलावा एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये मैंने मंगवाई थी अपने बर्थडे के लिए, ड्रेस मंगवाई थी मिंत्रा से। ये फोटो में तो बहुत सुंदर लग रही थी, पर मतलब इसमें फोटो वगैरह तो काफ़ी अच्छी आ जाएगी, इसका मैंने टैग नहीं निकाला क्योंकि मैं रिटर्न करने वाली हूँ। बाकी ये ड्रेस मैंने मंगवाई थी अपने बर्थडे के लिए, पर फिर मेरे को ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं आई। मैंने कहा मतलब इसका जो ये वर्क है ना, ये थोड़ा सा ऐसे सितारों वाला सा वर्क था, तो ये इतना कोई खास मेरे को पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा रिटर्न ही कर देंगे। थी वहाँ से विशाल से ही लेकर आई थी ये 99 का ये अच्छा लग गया। मैंने कहा कोई फ्रूट वगैरह कभी मतलब जा रहे हो ना सफ़र में, तो पैक करने के लिए। और अभी मैं दिखाती हूँ आज मैं जो शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट। मेरा बर्थडे तो था 8 मई को, और शॉपिंग मैं करके लेकर आई हूँ आज,
क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि अक्षय तृतीया को, मतलब आखा तीज को जो है, और गोल्ड की कोई चीज़ जो है वो खरीदनी चाहिए। तो मैंने जो है अपने बर्थडे पे, और ये मैंने खुद को खुद ही गिफ्ट करा है, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को नहीं दिलाया, मेरा खुद का ही मन था कि मैं जो है, और ये मैं लेकर आई हूँ। अरे यार लाइटिंग है इसमें तो, ये नज़र बाकी है सुंदर। चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है, मैं YouTube से जो मेरी अर्निंग कर रही हूँ ना, वो मैं थोड़ा सही जगह पे इन्वेस्ट कर दूँ। पहले तो मैंने सोचा था मैं मोबाइल ले लेती हूँ, पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, मोबाइल तो अभी मेरा काम चल रहा है, मतलब इतना भी कोई बुरी क्वालिटी नहीं है। ये थोड़ा सा अगर और ज़्यादा, मतलब मैं इसको ले लेती हूँ, थोड़े दिन और काम चला लेती हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल ले लूँगी। मैंने कहा ये चीज़ ले लेते हैं, ये थोड़ी सी जो है काम में भी आती है। गोल्ड की रिंग डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है क्या ढंग से? चलो मैं दिखाती हूँ, पास से दिखा देती हूँ डिज़ाइन। बढ़िया लग रही है ना? तो ये मैंने खुद को ही गिफ्ट करी है अपने बर्थडे पे, और ये मैंने ली है अपनी ही, मतलब YouTube मनी से। अच्छा ये गिफ्ट तो रह गया, जो मुझे बच्चों ने गिफ्ट करा है वो है ये साड़ी जो आज मैंने पहन रखी है, पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी डेली वियर की। गुडू ने बोल दिया था मम्मी आप अपनी पसंद से ही ले लेना, तो मैंने अपनी पसंद से ही फिर ये साड़ी ले ली थी हमारी शॉप से, और बहुत सुंदर साड़ी है। मतलब कलर प्रिंट तो इसका सुंदर है ही, सबसे अच्छी बात है इस साड़ी की इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, गर्मियों में पहनने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल मुट्ठी में आ जाता है ऐसा वाला फैब्रिक है, और गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। और सबसे अच्छी बात इस साड़ी की ये भी है कि ये रेट मतलब बहुत कम है डेली वियर के हिसाब से, सिर्फ 400 रुपये की ये साड़ी है। और मेरी एक दो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दीदी हम डेली में जो ना साड़ी पहनते हैं, हम आपकी तरह सूट नहीं पहन सकते, हमारे घर में अलाउड नहीं है, तो अगर कोई डेली वियर की साड़ी हो ढंग की, मतलब जिससे गर्मी ना लगे, तो वो दिखाना आप अपने व्लॉग में। तो फिर मैंने सोचा ये साड़ी अब बेस्ट है, तो अगर किसी को भी लेनी है तो आप ले सकते हो। और कलर इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, मतलब मैंने तो ये 4-5 कलर ही मंगाए थे घर पे, बाकी इसमें आपको 10 से भी ज़्यादा कलर मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सअप कर लेना ठीक है। और हाँ, ये एक मैंने बर्थडे के लिए ड्रेस मंगवाई थी मिंत्रा से, और ये ड्रेस मुझे रिसीव हुई मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को, तो फिर मैं फिर रख ही नहीं पाई वैसे, मतलब इतनी ज़्यादा, पहले तो मुझे फ़ोटो में तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जब रिसीव हुई थी तब भी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं पहनने के बाद कैसी लगती है, पर पहनने के बाद इसका लुक अच्छा आ रहा था, कलर भी अच्छा लग रहा था, पर मैं तो रिटर्न ही करने वाली हूँ क्योंकि बर्थडे तो हो गया, अब क्या ही ड्रेस रखनी, तो मैं उसको रिटर्न ही करूँगी। बाकी आप चाहो तो ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कई बार क्या होता है कि कोई कपड़ा देखने में हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता, पर जब उसको पहनते हैं ना तो अब उसका लुक अच्छा आता है, तो वही सेम इस ड्रेस में भी है, लुक वाइज अच्छी लग रही है। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों के कमेंट्स का। चलिए जी फिर मिलती हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, टाटा बाय बाय।